हेलो हेलो हेलो, स्पॉइल द साइड, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ द लास्ट गार्डियन। भाई मुझे टोरिको को फूड देना है, ठीक है, और नीचे एक बैरल था, तो अगर ये नीचे जाती है मशीन तो मैं वहाँ से बैरल लेके आता हूँ। मैं लेके आता हूँ बैरल, क्योंकि नीचे था एक बैरल, मैंने देखा था, नीचे एक बैरल था, मैंने देखा था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कहाँ पर था, हाउ टू गेट देयर वो भी एक प्रॉब्लम रहेगी। वो वहां पे है बैरल, ठीक है, और ऑब्वियसली मैं वो लेके जा सकता हूँ अंदर। तोरिको लाइक मैं इसको मैं एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर ये एक्टिवेट हो गया, ओह सॉरी, अगर ये एक्टिवेट हो गया तो शायद मेरे को अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा, अगर ये एक्टिवेट हो गया तो। या फिर मैं इसको फोड़ सकता हूँ कुछ फेंक के, फ्रैंकली आई डोंट नो। ये क्या है, लाइक व्हाट इज दिस, यहाँ पे कुछ तो है, इसको हटा सकता हूँ बगल में। द हेलमेट अतिकेति सग्याजी अवीजी परहैप्स अटैचिंग इट टू द शोल्डर सो ओई योरोई इनियाति टू रिवील अ वे फॉरवर्ड। अच्छा, वेयर इज द हेलमेट, ओके वेयर इज द हेलमेट, I need to find helmet. Oh, okay. Helmet वहाँ पे था, ऊपर है helmet. Helmet ऊपर है. Helmet यहाँ पे नहीं है, helmet ऊपर है. जिस forklift या फिर जिस मशीन में हम लोग अटके हुए थे लास्ट वीडियो के एंडिंग में, उस मशीन के अंदर है एक helmet. ये देखो, ये रहा हेलमेट, मैं भूल गया था। नाइस, ये हेलमेट अब मैं उसमें अटैच कर दूंगा तो वो हिलेगा, शायद फिर उसके बाद मैं उठा सकता हूँ उसके पीछे का वो बैरल। लेट्स सी कैसा होता है। वो रहा, वहाँ पे जाना है और उसके सर पे लगाना है हेलमेट। बाकी देखो ना कितना लाइक कितना वेल थॉट है ये गेम। मैं ये बैरल पहले ले ही नहीं सकता था, तो अच्छा हुआ मैंने टाइम नहीं लगाया फालतू में ढूंढने में रास्ता। बाय बाय बाय। ओके, अच्छा भाई निकल जाए यहाँ से। ओह ठीक है, अच्छा तो फिर वो ऊपर नहीं आ सकता। वेल गुड फॉर मी, अगर वो ऊपर नहीं आ सकता तो नाइस। बाय बाय, इट्स तो ये बैरल हम फीड करेंगे अपनी टोरिको को। कहाँ गई, वेयर इज आर, ये ले।
मैंने अच्छा मैं फेंकता हूँ तो ही नहीं खाता है जल्दी, खा लिया। तो फिर क्या हमको वापस नहीं जाना है? चढ़ते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं पहले, देखें कैसा होता है। जाना कहाँ है वो तो आप यही बताएगी। और एक ऊपर ऊपर एक और लाइक इसकी जैसी एक वो है, क्या कहते हैं उसे, कैट बोलेंगे या क्या बोलेंगे उसे, जैसे ये कैट बोलेंगे या पता नहीं क्या है, जो भी है वो, बट इसके इसके तरह ही है वो। मैं क्या ऊपर चढ़ सकता हूँ यहाँ पर कहीं पर? चलो जहाँ से आए हैं ना वहाँ पे जाता हूँ एक बार मैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से आए थे। लेट्स सी हम लोग यहाँ से रिटर्न जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ओके, तो वहाँ पे जगह है कूदने की बट ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, ये चीज़ तो गलत है। यहाँ पे हमको वापस यहीं पे लाके खड़ा कर दिया। बट हाँ, मुझे लगा था कि क्या पता पकड़ लेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे ना वो बहुत लंबी लंबी जंप्स कर लेता है जब करनी होती है। बहुत बार ना वो लंबी लंबी जंप्स कर देता है जब करनी होती है। और वो एक क्या कहते हैं, एक आर्मर वाला है टोरी को, वो बंदा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। लेट्स गो। अच्छा, मैं इसको इस पे बैठ के क्लिक करूंगा तो ये खुद ही जाएगी अपने हिसाब से। क्या हो गया, पहली बार झुका रही है ऐसे सर अपना। क्या हो गया, Why doing this? अच्छा वो केस पे जंप करेगी वो। हाँ लेट्स गो, फिर उस पे जंप करेगी। नाइस, मुझे लगा कि हमको यहाँ से कूद कूद के जाना है, लेकिन नहीं, वी हैव टोरी को विथ अस। ओए वापस, अरे वापस नहीं आना, वहाँ पे चलो, वहाँ पे चलो। वहाँ पे चलो। हाँ नाइस, अब यहाँ पे खड़े होके मेरे को इसको आगे जाने के लिए बोलना है। लेट्स गो जंप। अब वापस से आगे जाने के लिए बोलना है। अच्छा ये जब जंप करते तो मैं चले आता हूँ पीछे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब मुझे यहाँ पे उतरना है इसके सर से, शायद उतरना है, पता नहीं। उतरना है, अच्छा नहीं उतरना नहीं है। तो फिर अब कहाँ जाना है, लाइक इज देयर अ वे टू गो, क्योंकि इफ देयर इज आई कैन नॉट सी दैट। ओह
अरे भाई इतनी लंबी जंप, यहीं पे था वो लाइक दूसरा वाला, दैट सेकंड गाय वाज हियर ओनली। हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है। अच्छा तो शायद ये हमको बाहर ले जा सकती है ना, यहाँ से जहाँ से वो अंदर आई है, जहाँ से वो अंदर आई है वहाँ से वो हमको बाहर निकाल सकती शायद। चढ़ते हैं इसके ऊपर और बोलते हैं कि हमको यहाँ से बाहर निकालू। यस, क्योंकि यहीं से आई थी ना लास्ट टाइम पे भारी है। कहते हैं आप, मुझे क्यों लग रहा था कि भाई यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कुछ होगा। क्या हो गया, जा क्यों नहीं रही? लेट्स गो भाई, इससे हमने कितना काम करवा दिया। हम लोग इसकी पीठ पे बैठ के आ रहे हैं उस टाइम से। होपफुली अब उतरना हो हमारा। यहाँ पे आग कौन लगा रहा है? लाइक अगर यहाँ पे कोई इंसान आ नहीं रहा है तो यहाँ पे आग कौन लगा रहा है? पीछे कहाँ कर रहा है वो इशारे? कैसे अब हमको इसके ऊपर और ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। पर हाँ ओके भाई, कूदना नहीं है तो मेरे को उसके पास ले जा थोड़ा। ठीक है, यहाँ से हम चढ़ सकते हैं इसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चढ़ सकते। भाई मच्छरों को ना मैंने लाइक मच्छर काट रहे थे तो मैंने फुल पहन लिया, ठीक है नीचे से ऊपर तक। पर अब भाई वो जो थोड़ा थोड़ा जो हाथ बाहर है ना वहाँ पे काट रहे हैं मच्छर, मतलब मच्छरों को भी चैन नहीं है। अबे ओके भाई, ये तो कितना ऊपर तक जा रहा है ये, होपफुली बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाए। पता नहीं यार ये गेम कितना बचा, मैंने 4-5 घंटे खेल लिया है उसके बाद भी इतना बचा है ये। एक नॉर्मल पाजल गेम इतना ज़्यादा लंबा होता है मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं दूसरी साइड क्यों जा पा रहा यार? एक तो इस गेम का महंगा कैमरा एंगल भी इतना गंदा है। इधर
नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, फालतू में करने की जरूरत नहीं, नहीं जा रहा है वो। वो करने की जरूरत थी नहीं क्योंकि जा ही नहीं रहा था। इस साइड से चढ़ते हैं, आप बताए इस साइड से हो कुछ। बस वो दूसरा वो ना आ जाए, लाइक दूसरा जो बीच था वो ना आ जाए अभी। ऑब्वियसली वो आना होगा तो आ ही जाएगा। हु इज गोइंग टू स्टॉप हिम? बट मेरे हिसाब से इन दोनों का 1v1 होगा। ये इस साइड क्यों नहीं जा रहा है? हैं? लेकिन ये मुझे जाना, मुझे लग रहा है यहां से ऊपर कूदना कहीं पे, अगर ये सही है तो। पर ये वहां जा ही नहीं रहा। हाँ भाई देखो इतना आ रहा तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ तो नहीं रहना है, कहीं और जाना होगा। ठीक है, कहीं और जाना होगा। बहुत ज़्यादा सर्टेन हूँ मैं अब, क्योंकि वहाँ पे चढ़ने का तो रास्ता है नहीं। यहाँ से देखो भाई यहाँ पे कुछ है तो। जब मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ पहले, आई मेरे हिसाब से ना, आई जितना मैं जितना गेस कर रहा हूँ, इसके ऊपर चढ़ के कुछ तो खुलेगा रास्ता वगैरह। नहीं बे गलत। अच्छा वहाँ पे है एक, ये दोरा रुक जाओ, ये रहा एक रास्ता। दिस इज वन वे। अबे हाँ पहले गलती से आया यहाँ पे, बट स्टिल बैरल। यहाँ पे सिर्फ बैरल ही होगा मेरे हिसाब से। यस लग ही रहा था, क्योंकि वो आ नहीं सकता यहाँ पे और ऊपर इतना कुछ खास है भी नहीं। बट वहाँ पे वो चेन वगैरह है। बट बैरल फीड करना इम्पोर्टेंट है, फीड करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर फीड नहीं करेंगे तो वो हंग्री होता रहेगा और फिर उससे प्रोग्रेस काफ़ी धीरे हो जाती है। तो फीड करना इम्पोर्टेंट है भाई, वो इतना कूद के आया है अभी तो फीड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो चलते हैं आगे। अब पीछू, लेट्स गो। और हाँ मेरे पास विचर 3 आ चुका है, तो मैं विचर 3 खेलूंगा इसके बाद। मुझे लग रहा था कि मैं इसके बाद डिट्रॉयट खेलूंगा, बट नहीं, मैं इसके बाद खेलूंगा विचर 3। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ विचर 3 के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे गेम प्लेज नहीं देखे हैं, सॉरी टू से दिस, बट मैंने सुना बहुत है विचर 3 के बारे में।
and people say story wise it is a mind blowing game, so I would play that. I think I will play that game. शायद वहाँ पे कूदेंगे हम लोग. हम लोग अब इसके बाहर नहीं निकले क्या अभी तक? भाई कितना बचा है? हम लोग काफ़ी लाइक यहाँ पे आएगी वो चार ही आ रही है. लेट्स गो. ये जंप करेगी यहाँ से. जंप पूरा का पूरा पार्क हो रही है भाई टोरी को के लिए. अब इसके बाद का मेरा पार्क हो रहा है. अच्छा खुद ही कर रही है अभी. अच्छा नहीं अब पीछे जाना है. खुद ही कर रही है. मुझे लाइक कमांड देने की ज़रूरत नहीं कुछ भी. अभी मैं फालतू भाई घास के ऊपर चढ़ रहा था यार. यहाँ पे मतलब नहीं था किसी चीज़ का. रुक जाओ. ये गेट है भाई. गेट ओपन करना होगा अंदर जाने के लिए. भाई इस बच्चे की फटती भी नहीं है क्या? इतना लाइक ऐसे में जो है पार्कोर कर रहा है. बट ऑब्वियसली ही वॉज ऑलरेडी डेड जब इसको बीस्ट के पास डाला था. तो ही हैज़ नो अदर चॉइसेस मेरे हिसाब से. मुझे लग रहा है वो जो दूसरा था ना बंदा उसका और इसका जो है 1v1 होगा. हमारे तोरिको का इन दोनों का जो है 1v1 होगा. 1v1 नाइस. तो यहाँ तो भाई पूरा का पूरा रास्ता है. एक हमको इसके अंदर जाना है काहे कि हमको दरवाज़ा खोलना है ताकि वो अंदर आ सके. हमारा फ्रेंड अंदर आ सके. लेट्स गो. हियर इज द लिवर. नाइस खुल गया. खुल गया. यहाँ पे कोई लाइक बैरल वगैरह है जो मैं इसको फीड कर सकता हूँ. यहाँ पे रास्ता तो है. होपफुली यही सही रास्ता. ओके तो यहाँ पे शाइन वगैरह कर रहा है. ओके तो ये वैसी ही एक जगह है जो हमको नीचे मिली थी. एक नीचे कुछ जूँ. अरे भाई मैं गलती क्यों कर देता हूँ भाई मैं गलती क्यों कर देता हूँ. ठीक है कुछ तो हो रहा है अपने बीच को. कुछ तो हो रहा है. समथिंग इज हैपनिंग एंड आई थिंक ही विल स्लीप उसके बाद. It's me. तो पैट करूँ क्या? ओ खा गया.
भाई खा गया लाइक होपफुली भाई ये कट सीन हो कि आई डोंट वॉन्ट ओके ठीक है तो अच्छा कट सीन है इट इज़ अ कट सीन स्टोरी बताएंगे कि यहाँ पे हुआ क्या करके तो ये सारे के सारे बच्चे सो रहे हैं इज ही ड्रीमिंग अबाउट ऑल दैट No, he is not dreaming. It is his past, मेरे हिसाब से. ओके तो बच्चा जो है अनईजी फील कर रहा है अबे खा गया उसको निकाल नहीं पा रहा है यही तो नहीं है तोरी को आर्मर्ड है ही इज रनिंग भाई बच्चा खा के चला गया वो वाओ यानियोकुने इनमोटो ओटोनम इसाराबे बी अमंग द चोजन वन तो वो उड़ के चला गया उसके बाद क्या हुआ एंड लाइक अभी क्या गेम खत्म हो गया है या फिर क्या क्योंकि अब ये इंजर्ड है प्रोबेबली प्रॉब्लम्स होंगी इसको क्योंकि जब वो नीचे हमको मिला था बीस्ट उसको चेन्ड था तो चेन इंसानों ने करा होगा ऑब्वियसली इसका आर्मर भी इंसानों ने बनाया होगा देयर इज सम काइंड ऑफ सिविलाइजेशन जिसने वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स बिल्ड करे हैं एंड हियर ही कम्स टू द अबिस जिसके अंदर हम लोग थे अभी तक सॉरी हैं अभी तक अभी उसके अंदर ही हैं मुझे इसकी स्टोरी देखनी पड़ेगी यार आई वांट टू सी द स्टोरी ऑफ दिस प्लेस ये वो जगह है
अगर तुम में से किसी को समझना हो तो भाई ये वो जगह है जो पूरी की पूरी इस गेम से शायद हमको बाहर निकलना है, इस जगह से बाहर निकलना है। ठीक है, तो इसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी, अब वो ये था या कौन था? ओके, तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है पर ठीक ठाक नीचे गिर गया है। और इसके पंख वंख सब टूट गए हैं, आर्मर भी टूट गया है, सींग भी टूट गई है। ओके, तो इस जगह के अंदर, अच्छा ये कौन ले जा रहे हैं लोग? अच्छा तो ये यहाँ के सोल्जर्स हैं जिसने इसको चेन किया है। ठीक है, जिसने इस बीस्ट को चेन किया है वो यहाँ के सोल्जर्स हैं, जो लाइक हैं ऐसे स्टोन के सोल्जर्स। तो इनमें से किसी को पता नहीं है कि यहाँ बच्चा है करके, तो ये सोल्जर्स आई गेस कोई एक पुराने सिविलाइजेशन से हैं, होपफुली एक पुराने जो है सिविलाइजेशन से हों ये बच्चे। तो ये बच्चे को वहाँ से उठा के लेके आया था, इसने खाया नहीं था या फिर इस खाने या फिर पचा नहीं पाया, आई डोंट नो, बट इसका आर्मर निकाल दिया उन लोगों ने, करीब करीब निकाल दिया। एंड ये है वो बच्चा, बट इसकी अब मार्किंग्स लग गई हैं बहुत सारी, अब वो कैसे लगी है पता नहीं है। और ये जिंदा है, तो मुझे लगा था कि ये कोई सैक्रिफाइस है, बट नहीं है, सैक्रिफाइस नहीं है, इसको लाइक किडनैप कर लिया या फिर उठा के ले आया वहां से, वो तो ऐसा कोई किडनैपिंग वाला सीन नहीं था। तो मोटा मोटी ये स्टोरी है इसकी यहां पहुंचने की, कि यहाँ पे कैसे पहुँचा ये बच्चा, एंड उसके बाद की स्टोरी जो हम लोग खेल रहे हैं पूरी की पूरी। बट ओरिजिन क्या है इन बीस्ट्स का या फिर लाइक स्टोरी क्या है इन बीस्ट का, वो मुझे आज यूट्यूब पर देखनी पड़ेगी या फिर इस गेम का डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, वापस से इसको अपने मुंह में डाल लिया था, शायद निकाल दिया। तो यहाँ पे इस डिवाइस का कुछ होता है, This is the valley known in the ancient tale as the nest. अच्छा, तो ये कोई nest है। Only way out is from the air. ठीक है, air से ही is the only way out. तो मैं उठ के नहीं पा रहा। Only way out is air and we have a beast which can fly, so it would be easy for me. वो इसके सींग वापस से आ गए क्या? क्या कर रही है ये? अच्छा, जा रही है यहाँ से। द ओनली वे आउट इज द एयर एंड दिस प्लेस इज नोन एज नेस्ट। अब नेस्ट ऑफ वॉट? वो उसकी सींग्स वापस आ गई, अगर तुम ध्यान दे पा रहे हो तो उसकी सींग वापस आ गई, लाइक पहले बहुत छोटी थी इसकी लाइक हॉर्न्स। मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? ठीक है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, तो हमको खड़ा होना नहीं है शायद, अभी हम लोग थोड़े से कॉन्शियस नहीं है।
भाई खड़ा हो जा। अच्छा ये और आगे ले जाएगा हमको। सनलाइट में ले जा रहा है। यहाँ पे शायद जो हम लोग खड़े हो जाएं। खड़े ही नहीं हो रहे। व्हाट हैपेंड ब्रदर। कोई बटन दबाने से खड़ा नहीं हो रहा है। शायद सनलाइट मिलने से हम खड़े हो जाए। वापस से उठा रहा है। वो पानी पानी शायद हमारी हेल्प करेगा। ओके पानी ने हमारी हेल्प करी। ओके दिस वाज गुड भाई। द बीस्ट इज रिलीव्ड कि हम लोग उठ गए। सो एम आई। तो थोड़ा सा जो है लोअर हमको चला पता इस गेम का इस वीडियो में, विच इज़ गुड, विच इज़ मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है, है ना। कि भले ही पज़ल और पार्कोर है पूरे के पूरे गेम में, बट हमको चला पता लोअर इस गेम का कि हम लोग यहाँ पे कैसे आए और इस जगह का नाम क्या है। मैं अभी तक अबिस बोल रहा था, बट दिस प्लेस इज़ नोन एज द नेस्ट। अब नेस्ट क्या है शायद हमको इन फ्यूचर चलेगा पता। हमको मुझे लग रहा है कि अभी गेम और बचा है। सो गाइज़ फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And bye-bye till the next one.